जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स के वजूद में एक साल पूरा हो गया है। सरकार जहां इसे बड़ी उपलब्धि मान रही है, वहीं विपक्ष ने इसे लोगों की कमर तोड़ देने वाला टैक्स बताया। आम जन को अभी पूरी तरह से इसके पटरी पर आने का इंतजार है। वहीं कारोबारी अफसरों और सिस्टम के रवैये से संतुष्ट दिखाई नहीं देते। दूसरी तरफ विशेषज्ञ इस पर अभी बहुत काम किए जाने का सुझाव दे रहे हैं। कैसा रहा जीएसटी का पहले साल का सफर, इस पर हमने जानी अंबाला के लोगों की राय। आइए आपको दिखाते हैं ये विशेष रिपोर्ट। जीएसटी तो देखो जी, कारोबारियों के लिए एक पेचीदगी और परेशानी है। अगर इसको राजनीतिक विचारधारा से हटके भी देखा जाए, आम सोच से व्यापारियों को देखा जाए, तो ये परेशानी के कारण बना है, सबब बना है। क्योंकि जीएसटी के प्रोविजन जो है ना, वो क्लियर नहीं होंगे और जीएसटी के स्लैब भी बहुत बढ़ाए गए हैं। पूर्व सरकार को इसी ऊपर इस सरकार ने कोसा था कि जीएसटी जो है ना दुकानदारों को परेशान करेगा, लेकिन जब इन्होंने अब लागू करा तो दुकानदारों को परेशानी हो रही है। उसके अंदर क्या कई पेचीदगियाँ, रिफंड आएगा, रिटर्न भरनी है। पहले एक रिटर्न भरी जाती थी क्वार्टरली, अब कई रिटर्न हैं, कई किस्म के स्लैब आएंगे और जीएसटी तो अभी सच में पूछा था, खुद ही रास्ते में भटक रहा है, मंजिल की तरफ पहुँच ही नहीं सकेगा। एक देश एक कर के मकसद से एक साल पहले जीएसटी अस्तित्व में लाया गया। लोगों को बार बार और कई जगह टैक्स ना चुकाना पड़े, इसी मकसद से टैक्स के क्षेत्र में इस बड़ी क्रांति का आगाज किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां जीएसटी को गुड एंड सिंपल टैक्स की संख्या देते हैं, तो वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने इसे लोगों का दम घोटने वाला गब्बर सिंह टैक्स करार देकर सरकार पर तंज कसा। अंबाला का नाम यहां पर बनने वाले साइंस के सामान के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। यहां के कारोबारियों ने अपनी मेहनत से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई। वहीं इस टैक्स के बारे में SAME एसोसिएशन के प्रधान अरुण प्रकाश बंसल कहते हैं कि लोगों ने अब धीरे धीरे जीएसटी को स्वीकार कर लिया है, परंतु स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पर बोझ काफी बढ़ गया है। जीएसटी एक साल से एप्लीकेबल है, धीरे धीरे लोगों ने इसे अडेप्ट कर ही लिया है, लेकिन जो हमारा सोचना ये है कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, MSME, उसके ऊपर बोझ बहुत ज़्यादा पड़ गया। आज की डेट में सारे के सारे बिजनेसमैन परेशान हैं, क्योंकि किसी की भी जो स्टेटमेंट्स हैं, जो GSTR 1 GSTR 3 भी हमें पोर्टल पे डालनी पड़ती हैं, वो मीट आउट नहीं हो रही। किसी ने कोई बिल नहीं डाला, किसी ने कोई बिल नहीं डाला, हर एक को इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिल रहा और उसकी वजह से दिक्कत बहुत आ रही है। जब तक ये स्ट्रीम नहीं होगा, तब तक जीएसटी जो है ना बहुत अच्छी तरह से लागू नहीं हो सकता। मेरा मानना ये है कि जीएसटी एक अच्छा कदम था, अच्छा कदम है, लेकिन जब तक इसको सिंप्लीफाइड नहीं किया जाए, इसकी जो टैक्स लैब्स हैं उसको दो टैक्स लैब ना किया जाए, तब तक हमारे जितने भी कंज्यूमर्स हैं, हमारे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनको बेनिफिट नहीं होगा। दूसरी बात, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, उसके लिए बेसिकली क्या हुआ कि जो बंदा 5 करोड़ की टर्नओवर कर रहा या 100 करोड़ की टर्नओवर कर रहा, काम दोनों के लिए बराबर उतना ही हो गया और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के खर्चे ज्यादा बढ़ गए। जीएसटी और उससे जुड़ी कई प्रक्रियाओं को ट्रांसपोर्टर ने काफी जटिल करार देते हुए व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े किए हैं। अंबाला कैंट गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के सचिव मनु आनंद ने कहा कि ट्रांसपोर्टर्स का सीधे तौर पर कोई लेना देना नहीं है, बिना बात के ट्रांसपोर्टर को इसमें शामिल किया हुआ है। पार्टी टैक्स पे करती है, पार्टी ही फॉर्म भरती है। मेनली तो जीएसटी का ट्रांसपोर्ट से कोई लेना देना नहीं है, पार्टी टैक्स पे करती है, पार्टी फॉर्म में भरती है, ट्रांसपोर्टर को अननेसेसरी इन्वॉल्व किया हुआ है। अब ट्रांसपोर्टर जो ईवी बिल है ऑनलाइन भरता है, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है गवर्नमेंट का, या सिग्नल्स इतने अच्छे नहीं है। रात को गाड़ी लोड होती है, ईवी बिल भरना है, गाड़ी लोड होने के बाद वे बिल भरा जाएगा। हमारी 10 गाड़ी लोड होती है, एक गाड़ी के वे बिल में आधा घंटा लगता है, यानी 5 घंटे मेरी टोटल प्रोसेसिंग जो सारी वो डिले होगी। ऊपर से 5 घंटे भी तब लगेंगे अगर सिग्नल ठीक मिल रहा है, डाटा चल रहा है, कभी साइट नहीं खुलती और कभी डाटा स्लो है, फॉर्म अपडेट नहीं होता, ये ओवरऑल मिला के 8-9 घंटे लग जाते हैं कि डेली हमारा 8-9 घंटे हम डिले चल रहे हैं काम से। ओवरऑल जितना भी हमारी जो ऑपरेशंस हैं, हम उसमें 10% में लॉस में चल रहे हैं। टोटली हमारे जो भी ट्रक्स की रोटेशन है, माल की रोटेशन है, वो सारी हम 10% पीछे चल रहे हैं और ये लॉस बढ़ेगा आगे, क्योंकि अब पार्टीज भी फर्क सिर्फ हमें पड़ा है जो नंबर एक में काम कर रहा है। मेन ईवी बिल का फंगा ये था कि लोग नंबर दो में काम नहीं करेंगे, नंबर एक में काम करेंगे, गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलेगा। जो नंबर दो में काम कर रहे थे वो नंबर दो में कर रहे हैं, प्रॉब्लम सिर्फ उनके लिए है जो नंबर एक में काम कर रहे हैं, नंबर दो वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, टोटल प्रॉब्लम सिर्फ हम लोगों के लिए है। बहुत से लोग कच्चे सर कर रहे हैं, सबकी सेटिंग है, पूरे ऑफिसर्स मिले हैं ऊपर तक, नाम मैं किसी का नहीं लूंगा। अंबाला में जैसे पहले काम चल रहा था, आज की डेट में उससे बेटर चल रहा है।
रेट्स बढ़ गए हैं, नंबर दो के माल के सेटिंग्स बढ़ गई हैं, सारा काम बड़े सिस्टम से चल रहा है, उनका काम ज्यादा सिस्टम से, हमारा इतना सिस्टम से नहीं है। कुछ भी इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, तभी होगा जब ग्राउंड लेवल से इम्प्लीमेंटेशन शुरू होगी। ये ऊपर से ऑर्डिनेंस पास करने से कुछ नहीं होगा। आप देखिए आपके ऑफिसर्स क्या कर रहे हैं, किस तरह से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उन पर कोई चेक नहीं है। जब तक ऑफिसर्स पे चेक नहीं होगा ये हो ही नहीं सकता। ये इसी तरह से चलेगा जैसे पहले चल रहा था। आम जनता जो जो ऑनेस्टली से काम करने जाती है सिर्फ वही सफर करेगी, बाकी सब ऐश करें। ग्राउंड रूट की इंटरेस्ट 1% भी नहीं है मेरे हिसाब से, जो मेरी कैलकुलेशन है, कोई किसी को भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। इस बारे में जीएसटी को लेकर हमने विशेषज्ञों की राय भी जानी। टैक्स एडवाइजर एडवोकेट अजय अग्रवाल बताते हैं कि जीएसटी जब शुरू में लागू हुआ था तो इसमें काफी ज्यादा दिक्कतें थी, परंतु धीरे धीरे ये पटरी पर आनी शुरू हो गई है। जब शुरू शुरू में लागू हुआ था तब तो बहुत ज्यादा दिक्कतें थी इसमें, लेकिन धीरे धीरे सरकार ने काफी कोशिश करी है और इसको अब थोड़ा थोड़ा पटरी पर आना शुरू हो गया है। लेकिन फिर भी अभी कई ऐसी दिक्कतें हैं इसमें कि जो व्यापारी के लिए बड़ी परेशानी है। मसलन आपके रिटर्न्स हैं, रिटर्न्स के बारे में कभी कुछ अमेंडमेंट आ जाती है, कभी किस दिन फाइल करनी है किस दिन नहीं, और व्यापारी परेशान रहता है। हमारे जैसे प्रोफेशनल्स को भी नहीं कई बार पता लगता कि भाई रिटर्न्स कैसे जानी है, किस डेट में किसकी जानी है रिटर्न। नंबर दो, ये जो 1.5 करोड़ से ऊपर और 1.5 करोड़ से नीचे वालों के इन्होंने कर दिया है, उसका कोई मकसद समझ नहीं आता, क्योंकि मिसमैच मैच जो करते हैं वो सेल जिस जो 1.5 करोड़ से नीचे वाले ने करी है 1.5 करोड़ से ऊपर वाले को, वो 3 महीने बाद रिटर्न भरेगा तभी उसको उसका इनपुट का रिबेट मिलेगा। अभी तो सरकार ने GST R2 और 3 को कैप्टन अबेस किया हुआ है। वहीं विपक्ष ने सरकार के जीएसटी स्लैब और उसे लागू करने के तरीके पर सवाल उठाए हैं। पूर्व मंत्री और कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष निर्मल सिंह ने कहा कि सरकार भले ही जीएसटी के नाम पर जश्न मना रही हो, परंतु लोग इसका मातम बना रहे हैं। मैंने भी सेलिब्रेट कर रहे हैं मौजूदा सरकार भी जो सरकार है, लेकिन लोग तो मातम मना रहे हैं। ये तो आसान करने के लिए था काम को, उल्टे उलझा दिया। इसमें तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो गया मामला, वापस लेनी है उसके कितने हर बिजनेस में मिली नहीं लोगों को, और फिर टू मच भी है ना, 14 से 18 के बीच में रहना था, 28 कर दिया एकदम, तो लोगों का बहुत नुकसान हुआ है, व्यापार बैठा है। बाजार का हाल देखो, किसी को देखो, मंदी मंदी मंदी। वहीं दूसरी तरफ जीएसटी को सरकार के मंत्री क्रांतिकारी कदम बता रहे हैं। हरियाणा के श्रम एवं रोजगार मंत्री नायब सैनी ने जीएसटी के पहले साल के सफर को सुगत करार देते हुए कहा कि जीएसटी से देश में विकास के मामले में बड़ा बदलाव आया। उजाले का कारण वो मनोहर, देश के अंदर बड़ी मजबूती से विकास हुआ है और इससे जो लोगों ने इसके अंदर अपनी रुचि दिखाई है और उस रुचि से क्योंकि लोगों के अंदर जो ये भावना पनपी है कि हमारे लिए देश पहले है, और उसको लेकर के लोगों में आम जन के अंदर आज आप देख भी रहे हैं कि देश कितनी मजबूती से आगे बढ़ रहा है। देश का आज लोग इस बात की भी चर्चा करते हैं, हम तो गांव के अंदर जाते हैं, गांव के लोग ये बात बोलते हैं कि आज से जो 25-30 वर्ष पहले ये कार्य हो जाना चाहिए था, नहीं हुआ था, किस कारण से नहीं हुआ था, आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार में, मनोहर लाल जी की सरकार में वो सब कार्य पूरे हो रहे हैं और लोगों को उन सुविधाओं का लाभ मिल रहा है जो आज से 20-25 साल पहले मिल जाएगी। ऐसा नहीं है उसके अंदर, क्योंकि जहाँ पर भी इस प्रकार की कोई दिक्कतें आती हैं, अलग से व्यापारियों से भी बात होती है और व्यापारियों से बात हो करके हर 3 महीने बाद एक रिव्यू बैठक जीएसटी काउंसिल की होती है और उस काउंसिल के अंदर सभी प्रदेशों के प्रतिनिधि वहाँ पर होते हैं, वो प्रतिनिधि जाते हैं और जहाँ पर भी जनता की, व्यापारियों की आवाज़ आती है भी इस प्रकार का सिस्टम होना चाहिए, उसको ऊपर विचार करके उसके अंदर सुधारीकरण किया जाता है और वो आम जन के लाभ के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रही है। जीएसटी का 1 साल का सफर बहुत अच्छा रहा है, इसके अंदर देश के प्रदेश के लोगों ने भी अपनी रुचि दिखाई है और रुचि दिखा करके, क्योंकि लोग इस देश का विकास बड़ी मजबूती से चाहते हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि देश की जनता ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को जिस भावना से बैठाया था कि देश मजबूत होना चाहिए, और कहीं पर भी आज तक कोई घोटाला नहीं हुआ, जो पैसा आम जन का
उस पैसे को सुरक्षित तरीके से बड़ी मजबूती से इस देश के विकास के ऊपर खर्च किया जा रहा है। नहीं तो पहले योजनाएं बनती थी, योजनाएं इसलिए बनती थी कि इसमें से मेरा कितना है उसके लिए योजना बनती थी, और उसके अंदर बड़े बड़े घोटाले होते थे, और घोटालों के अंदर कई बार तो पूर्व के मंत्री ये बात बोलते थे कि ये तो 70-80 लाख रुपए का घोटाला होगा, इसने तो मैं मान देनी। इंडिया एक्सप्रेस के नंबाला से राजकुमार शर्मा की रिपोर्ट।